इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना आज से देश में लागू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में इस योजना का लोकार्पण किया। इस दौरान देश के हर प्रदेश के एक लाभुक को प्रधानमंत्री द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण चयवासा के टाटा कॉलेज सभागार में लोगों ने देखा। यहां कार्यक्रम का उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष लालमुनि पूर्ति, एसडीओ चयवासा पारितोष ठाकुर और चयवासा चेंबर के अध्यक्ष नितिन प्रकाश ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लाभ देश के वैसे सभी असंगठित कामगारों को मिलेगा जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए से कम है। इसके लिए 18 से 40 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुढ़ापे में कोई साथ नहीं देता है, ऐसे में पेंशन के रूप में 3,000 रुपए मिलेंगे तो काफी राहत मिलेगी। इस योजना से देश के करोड़ों लोगों का भला होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी असंगठित कामगार को 18 से 40 साल तक की उम्र के अनुसार 55 से 200 रुपए तक का मासिक अंशदान देना है। इतनी ही राशि सरकार लाभुक के खाते में डालेगी। लाभुक की उम्र 60 साल होने पर उसे महीने 3,000 रुपए पेंशन के रूप में मिलेगा। उसकी मृत्यु होने पर पत्नी को आधा पेंशन मिलेगा। इस योजना का लाभ किन लोगों को मिल सकता है जरा वह भी जान लीजिए। घरेलू कामगार, फेरी लगाने वाले, ठेला लगाने वाले, घरेलू कर्मकार, मध्याह्न भोजन कर्मकार, सिर पर बोझ उठाने वाले, ईंट भट्टा में काम करने वाले, बीड़ी मजदूर, मोची, कूड़ा बीनने वाले, रिक्शा चालक, ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक, कृषि श्रमिक, भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार, हथकरघा कर्मकार, दृश्य श्रव कर्मकार आदि। जो लोग केंद्र या राज्य सरकार की पेंशन स्कीम का लाभ ले रहे हों या इनकम टैक्स भरते हों, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में आज 9 लोगों को योजना से जोड़ा गया और उन्हें प्रमाण पत्र दिया गया। जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने प्रमाण पत्र प्रदान किया। लाभुकों में सिंधु लुगिन, लक्ष्मी देवी, नीलिमा देवी, जयंती देवगम, वीर सिंह तापे, तेलमाई देवगम, आशीष खंडायत, कुर्बान हवारी और सुनील बिरुली शामिल हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ
जिले का हर योग्य व्यक्ति को मिल सके, इसके लिए श्रम विभाग की ओर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उपायुक्त अरवा राजकमल ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये प्रधानमंत्री की एक अच्छी योजना है जो असंगठित मजदूरों के लिए भी सोचा जा रहा है, लेकिन हमें लगता है कि इसके प्रचार प्रसार पंचायत स्तरों पर होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे ग्रामीण ऐसे हैं जो हर रोज शहर नहीं जानते हैं और इस योजना की जानकारी उन तक सही समय पर नहीं पहुंच पाती है। ये योजना क्या है, इस योजना का लाभ क्या है, ये अगर पंचायत स्तर पर हम इसकी प्रचार प्रसार करें तो शायद इसका लाभ जो प्रधानमंत्री की सोच है वो हर ग्रामीणों को इसका लाभ मिल सकेगा। और हमारे असंगठित क्षेत्र में ये पेंशन योजना है, इसका डायरेक्ट खाता से इसकी पैसे कटने की बात की जा रही है, तो असंगठित क्षेत्र में जितने मजदूर हैं सभी का खाता भी नहीं है और खाता खुलने में आधार कार्ड में भी बहुत सारी खामियां हैं। विभाग की तरफ से पहले भी लगाया जाता है कैंप जिसमें आधार कार्ड वगैरह का कनेक्शन होता है, तो हम चाहेंगे कि इसको भी अगर हमारा विषय में कोई सहयोग की जरूरत पड़ेगी तो चैंबर भी उसमें सहयोग करेगा। आधार कार्ड और बैंक खाता का कैंप लगवाया जाए, पंचायत स्तर पर लगाया जाए जिसमें कि सारे ग्रामीणों की आधार कार्ड में जो समस्या है वो खत्म हो और सबों का अपना एक बैंक खाता हो जिसके माध्यम से उन सारी योजनाओं का लाभ ले सके। सेल की मेगा हाथोबुरु खदान की ओर से स्वर्गीय जयपाल सिंह मुंडा मेमोरियल 3 दिवसीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन महाप्रबंधक चंचल मुखोपाध्याय ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करके किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए बेहतर प्रदर्शन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि खेल को खेल भावना से खेले, हार जीत तो लगी रहती है। उद्घाटन के मौके पर वीर सिंह मुंडा, पीसी मांगी, डेविड बोद्रा, फ्रांसिस हंस, मेगा हाथोबुरु दक्षिण पंचायत के मुखिया रेवती तिरिया सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। पहले मैडम का भी स्वागत हो और उन्होंने भी देख लीजिए नहीं तो उधर कुछ दिन स्वर्गीय जयपाल सिंह मुंडा हॉकी प्रतियोगिता मेघातुपुरु ऐश खदान ने उसको परिचालन कर रहे हैं। सीएसआर का दोष है जो आप निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत ये टूर्नामेंट हो रहा है, तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। हम दोनों जितना 16 टीम सभी टीम मेंबर्स को आज का जो दो कुंडी एंड फलकोबाद जो टीम मेंबर्स को मैं अनुरोध करूंगा खेल का भावना से आज करिए और खेल ये एक प्रतियोगिता जरूर है मगर अपना भीतर एक ये है खेल का जो भावना है उसको भीतर रखिएगा और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग आज काफी संख्या में उपस्थित होकर ये प्रोग्राम को आप लोग कामयाब करने के लिए आप सहयोग कर रहे हैं, फिर से आप सबको शुभकामनाएं। थैंक यू। क्योंकि इस टूर्नामेंट के संबंध में वो पुरुष कहेंगे क्योंकि हिंदी जितने भी टीम आए हुए हैं और उनके रख रखाव और सारे संचालन के लिए बेटा को सफल बनाने में अपना सहयोग दिए हैं वो भी बधाई के पात्र हैं और प्रत्येक वर्ष तो यह होता ही है और हमारे ग्रामीणों का और हमारे इस सरंडा अंचल के ग्रामीणों का मनोबल का। कांग्रेस के जीकपानी प्रखंड अध्यक्ष जितेंद्र गोप ने जिला अध्यक्ष की कार्यशैली से नाराज होकर पद से इस्तीफा दे दिया है, हालांकि उन्होंने पार्टी की सदस्यता नहीं छोड़ी है। जितेंद्र गोप ने कहा कि जब पार्टी में कोई शामिल नहीं होना चाहता था तब उन्होंने कांग्रेस का झंडा ढोया और अब जिला अध्यक्ष अपने को सर्वोपरि समझते हुए मनमाना रवैया अपना रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही, कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।